नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम क्यूब पे। माय सेल्फ साइनी वर्मा। आज हम लोग देखेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। परिमित और अपरिमित समुच्चय हमारा किससे संबंधित है कि किसी भी समुच्चय के अवयवों की संख्या से संबंधित है। किसी भी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या जो है काउंटेबल है, उसको गिना जा सकता है, तो उसको परिमित समुच्चय बोला जाता है। अगर किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है, उसका कोई एंड ही नहीं है, तो उसको अपरिमित समुच्चय बोला जाता है। अब हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कोई सेट हम लोगों ने लिया AEIO U. तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। पांच एलिमेंट है। और एलिमेंट क्या है इससे हमको नहीं मतलब, उनके नंबर्स से मतलब है, उनकी संख्या से मतलब है। और हम लोग लिखते कैसे हैं? NA ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया कि समुच्चय A में अवयवों की संख्या, समुच्चय A में अवयवों की संख्या, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है NA। किसी भी समुच्चय में जो अवयवों की संख्या होती है, तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितना है? 5 है। फिर एक समुच्चय हम लोग लेते हैं बी। सभी एक्स, जहां पे एक्स एक, जहां पे एक्स एक बी एक समुच्चय हम लोग लेंगे। सभी एक्स, जहां एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्याएं जो होगी, विषम संख्या का कोई एंड तो है नहीं, ये कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे, परिमित नहीं होंगे ये, इनको गिना नहीं जा सकता। इसमें कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। और हम लोग लिखते कैसे हैं इसको, जब हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जब जिसमें अवयवों की संख्या इनफाइनाइट हो, तो यहाँ पे विषम प्राकृत संख्याएं, तो 1 3 5 7 9 11 13, तो ऐसे कैसे लिखते चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, 3 डॉट लगा के ये ब्रेकेट बंद कर देते हैं। तो ये अपना क्या बताता है, 3 डॉट, कि ये इनफाइनाइट तक, यही जो पैटर्न है यही इनफाइनाइट तक गया है। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या है, इस समुच्चय में सभी एक्स का समुच्चय, जहां एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या अपने पास कितने हैं? इनफाइनाइट हैं। और इसको लिखने के लिए पहले बता चुके हैं, 3 डॉट लगा के छोड़ देते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि वो इनफाइनाइट तक गया है। तो समुच्चय बी में जो है अवयवों की संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, एन बी। ये क्या बताता है, एन बी का मतलब क्या होता है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या अपरिमित है। अपरिमित है मतलब किसको गिना नहीं जा सकता, इनफाइनाइट है, अनंत है, संख्या अपरिमित है। तो यही से हमारा क्लियर हो गया कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनी जा सके वो परिमित समुच्चय, और जिसमें अवयवों की संख्या इनफाइनाइट हो वो अपरिमित समुच्चय होता है। तो हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं इसका। ये सेकेंड परिभाषा होगा आपका, परिभाषा एक जो हम लोगों ने दिया था वो रिक्त समुच्चय का दिया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय के डिफिनेशन। तो ये हेडिंग वही है, ये हेडिंग आप डाल
परिभाषा, और ये परिभाषा नंबर 2 है आपकी एनसीईआरटी बुक में। एक रिक्त समुच्चय भी होता है जिसमें अवयवों की संख्या होती नहीं, कोई भी अवयव नहीं होता, तो रिक्त समुच्चय भी फाइनाइट है, मतलब परिमित समुच्चय के अंतर्गत आता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय में एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो गिने हैं तभी तो पता चला कि एक भी एलिमेंट नहीं, तो उसको गिना जा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि एक समुच्चय, डिफिनेशन में हम लोग लिखेंगे एक समुच्चय जो जो रिक्त है या जिनके अवयवों की संख्या संख्या परिमित है, परिमित समुच्चय कहलाता है। तो परिमित समुच्चय क्या होता है, जो रिक्त है और जिनके अवयवों की संख्या परिमित है। परिमित का मतलब क्या होता है, सीमित होता है, परिमित का मतलब होता है सीमित है, और अपरिमित का मतलब होता है कि जिसकी सीमा नहीं है। तो एक समुच्चय जो रिक्त है या जिनके अवयवों की संख्या सीमित है परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो क्या होगा, अन्यथा वो समुच्चय क्या होगा, समुच्चय अपरिमित कहलाता है, अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो सीधा सीधा मतलब है, परिमित का मतलब होता है सीमित, अपरिमित का मतलब होता है असीमित, जिसका कोई सीमा नहीं, जिसका कोई एंड नहीं है। तो ये परिमित और अपरिमित हमारा बताता है कि अवयवों की संख्या से बताता है। अगर किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या जो है सीमित है तो वो परिमित समुच्चय, अदरवाइज वो क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट हम लोग पी लेते हैं, सभी एक्स, जहां एक्स सभी एक्स का समुच्चय, जहां एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स एक पूर्णांक है। तो ये समुच्चय हम लोगों ने पी लिखा, पी सारे एक्स का समुच्चय, वो एक्स कैसे होना चाहिए कि एक्स ऐसा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है और ये एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है। तो x square equal to 9 को satisfied करना है, तो x square minus 9 equal to 0 और इसको x plus 3 into x minus 3 equal to 0, क्योंकि a square minus b square अगर कहीं पे हो तो हम लोग a plus b into a minus b के रूप में लिख लेते हैं। तो इसका product और इसका product 0 है, तो यहाँ से हम लोग x equal to 3 और x equal to minus 3 आ गया, और x एक पूर्णांक है यानी इसको satisfied भी करना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो P जो अपना सेट आ गया, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंट होंगे, माइनस 3 और 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि P के अवयवों की संख्या क्या है, 2 है। NP क्या बताता है, समुच्चय P में अवयवों की संख्या 2 है, अतः समुच्चय P परिमित समुच्चय है, अतः समुच्चय P परिमित समुच्चय है। ये पहला एग्जाम्पल आपका हो गया परिमित समुच्चय का। इसमें हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं कि जो परिमित और अपरिमित समुच्चय पूरा क्लियर हो जाए। हम लोग एक समुच्चय लेते हैं M, सभी x का समुच्चय, जहां x क्या है, x ऐसा है, x
किसी रेखा पर स्थित एक बिंदु है। तो क्या करना है कि x जो है एक ऐसा समुच्चय है जो किसी रेखा पर स्थित एक बिंदु है। सारे x को लिखना है और x क्या है, किसी रेखा पर स्थित एक बिंदु है। तो किसी भी रेखा पे हम लोग जानते हैं, किसी भी लाइन पे जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। किसी भी रेखा खंड पे या रेखा पे इसमें कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का जो है बिंदुओं को जो देखना चाहेंगे तो उसकी संख्या कितनी होगी, कितने नंबर्स होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। तो क्या होते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी रेखा पर, हम लोग क्या कहेंगे कि किसी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत अपरिमित और असीमित एक ही चीज होती है, अपरिमित असीमित। हम लोग क्या कहेंगे, किसी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु स्थित होते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय यानी समुच्चय M में जो अवयवों की संख्या है वो क्या है, अपरिमित है। अपरिमित है, अतः समुच्चय M एक अपरिमित समुच्चय है। हम लोग इसके पहले बहुत एग्जांपल देख चुके हैं कि कैपिटल एन को लिखा जाता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं आपके पास, इनफाइनाइट होंगी, तो ये भी क्या होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। कैपिटल एन को हम लोग लिखे थे, कैपिटल एन जो प्राकृतिक संख्याओं का 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके फिर 3 डॉट लगा के लिख देते थे, तो ये क्या हो जाता है, या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लोग लिखें समुच्चय निर्माण रूप में, तो सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या जो है इनफाइनाइट होती है, असीमित होती है, इनकी कोई सीमा नहीं। तो ये क्या होगा, ये यानी जो समुच्चय कैपिटल एन आपका जो यहाँ पे है, समुच्चय कैपिटल एन यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है, एक अपरिमित समुच्चय है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिया है परिमित और अपरिमित समुच्चय के ऊपर। यह आपका उदाहरण 6 आपकी एनसीईआरटी 11th बुक में है, उदाहरण 6 ये कह रहा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है, कौन अपरिमित। समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित। समुच्चय आपके दिए हुए हैं, पहला जो आपका सेट दिया है सभी x का समुच्चय जहां x बिलोंग टू कैपिटल N, x क्या है नेचुरल नंबर है, x बिलोंग टू कैपिटल N, कैपिटल N क्या होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और ये क्या होता है बिलोंग टू मतलब x सभी x का समूह, कि x क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर के समुच्चय में से होना चाहिए, और k
केवल यही नहीं होना चाहिए कि नेचुरल नंबर हो, और x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये पहला हो गया आपका। सेकेंड है सभी x जहां x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर इक्वल टू फोर। सेकेंड क्वेश्चन आपका है पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है सभी x जहां x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो। चौथा पार्ट इसका है सभी x जहां x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x एक अभाज्य संख्या है। फोर्थ पार्ट, एक पार्ट और इसमें सभी x जहां x नेचुरल नंबर के समुच्चय में से होना चाहिए, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x विषम है। अब ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय बताना है हमको। तो हम लोग जानते हैं परिमित समुच्चय क्या होता है, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित होती है वो परिमित, और जिसके अवयवों की संख्या असीमित होती है वो अपरिमित होता है। तो पहला सेट हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इसका आंसर ये इसी के साइड में ही करते हैं, फर्स्ट वाले का। x belong to natural number और x minus 1 into x minus 2 equal to 0, उन x का समुच्चय जो x क्या होना चाहिए natural number के समूह में से होने चाहिए, समुच्चय में से होने चाहिए, और x minus 1 into x minus 2 equal to 0 को भी satisfy करना चाहिए। तो x minus 1 into x minus 2 equal to 0 को जो हम लोग solve करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 होगा, तो दोनों में से कोई भी 0 हो या x minus 2 equal to 0 हो, यहां से क्या आ गया x equal to 2, यहां से क्या आ गया x equal to 2, 1, 2, तो यहां से x की जो वैल्यू आ गई 1 और 2, x की दो वैल्यू आ गई 1 और 2। अब x क्या होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले कितने x हैं, 1 और 2, दो x हैं, और ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये दोनों जो है नेचुरल नंबर है। तो पहले वाले का अगर हम लोग लिस्ट बनाए तो क्या हो गया 1, 2, तो पहले वाला सेट में कितने एलिमेंट है, 2, पहले वाले सेट में दो अवयव है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, इस सेट में दो अवयव है, अतः ये एक परिमित समुच्चय है। फर्स्ट वाला आपका क्लियर हो गया, ये परिमित समुच्चय है। अब हम लोग सेकंड वाला देखने जा रहे हैं, x belong to natural number, सभी x का समूह जहां x क्या होना चाहिए belong to natural number और x square equal to 4, x square equal to 4 कौन कौन से x करेंगे इसको हम लोग solve कर लेते हैं। x square minus 4 equal to 0, x plus 2 into x minus 2 equal to 0, तो x plus 2 equal to 0 या x minus 2 equal to 0, यहां से क्या आ गया x की value minus 2 और यहां से आ गया x की value 2, x की वैल्यू या तो माइनस 2 होगी या 2 होगी। तो पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले दो x मिल गए हमको, माइनस 2 और 2, और ये बोला है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो माइनस 2 और 2 में जो है माइनस 2 ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो इसका जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो इसमें केवल एक अवयव मिलेगा 2, तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या एक है, एक ही अवयव है इसमें ना, अवयवों की संख्या एक है, अतः ये एक परिमित समुच्चय है, ये परिमित समुच्चय है। ये सेकंड वाला पार्ट हो गया आपका। अब हम लोग थर्ड वाले पार्ट का आंसर करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सभी x का समूह जहां x नेचुरल नंबर है और 2x minus 1 equal to
जीरो। तो 2x-1 इक्वल टू जीरो को संतुष्ट करने वाले x कौन से होंगे, यहां से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1/2। और क्या होना चाहिए, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 1/2 जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि 1/2 जो है नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता। तो जब थर्ड वाला को हम लोग लिखेंगे तो इसमें एक भी अवयव नहीं मिलेगा, एक भी अवयव नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है 2x-1=0, x इक्वल टू 1/2 ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है कि x जो है नेचुरल नंबर के सेट से होना चाहिए, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, यानी थर्ड ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय हम लोग डिफिनेशन में देखे थे कि कोई भी समुच्चय रिक्त हो या जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो उसको परिमित समुच्चय बोला जाता है, तो रिक्त समुच्चय है, अतः ये एक परिमित समुच्चय है, अतः ये एक, ये एक परिमित समुच्चय है। ये तीन पार्ट आपका हो गया। अब हम लोग फोर्थ पार्ट का आंसर कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि सभी x का समूह जहां x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x एक अभाज्य संख्या है, x अभाज्य संख्या होनी चाहिए और प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं हम लोग इनफाइनाइट होते हैं। इसमें अभाज्य संख्याएं जो है जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और ये सभी नेचुरल नंबर भी हैं, 11, 13, 17, 19, ये एंड नहीं होगा इसका। अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं, इनफाइनाइट होती हैं। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, चूंकि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित होती हैं, अपरिमित होती हैं, अतः ये आपका जो फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, अतः ये एक, ये एक अपरिमित समुच्चय है। तो ऐसा नहीं होगा कि अभाज्य संख्याएं आप देखते चले जाएंगे तो कुछ ऐसा स्टेज आएगा कि वहां पे जाके खत्म हो जाएगा, वो इनफाइनाइट होता है। एक पार्ट आपका और बचा है, फिफ्थ पार्ट का आंसर हम लोग करते हैं। ये x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x विषम है, तो सारे विषम प्राकृत संख्याएं, तो विषम प्राकृत संख्याएं हम लोग लिखेंगे जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये कभी एंड नहीं होगा, इसमें कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, अनंत संख्या, अनंत जो है इसमें अवयव होंगे, तो इसमें अवयवों की संख्या क्या है, अपरिमित है, अवयवों की संख्या अपरिमित है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। तो इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग इसके आगे करेंगे।